to Pokhra. Taruri ho gaye kan teri dhadkan. तो ये नीचे जो दिख रहा है वो पोखरा है, वहीं से हम आए ऊपर और वो रिवर बीच में जा रही है। अच्छा रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस। वो बादल जा रहे हैं, कितना सही लग रहा है। मौसम बढ़िया है, ऑलरेडी बहुत डिलेड है, पता नहीं कितना देर में पहुंचेंगे। तो वो लेक और पोखरा दिख रहा है इधर से, पूरा व्यू है जबरदस्त। क्या यहाँ से अच्छा व्यू है। और ये सामने जो दिख रहा है पोखरा है, इसके लेक का मैंने फोटो ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इट्स लुक्स गुड। क्या ये पूरा सिटी बसा हुआ है, बहुत बड़ा है, इट्स वेरी लार्ज सिटी। और तो ये पूरा इतनी जगह में सारा बसा हुआ है। Just to have a good picture and have breakfast, bread omelette order किया और यहाँ से पूरी लेक दिख रही है, बहुत बढ़िया भाई लेक तो, अच्छी खासी। हम वहाँ पे कहीं थे, लेक का वेट कर रहे थे, उस जगह पे कहीं बीच में होटल लिया था लेक के आसपास, तो वी वर देयर ओनली। और ये पूरी लेक है और ये पूरी सिटी है, सिटी तो बहुत बड़ी है भाई, बहुत दूर तक फैली हुई है। ओह बाय गॉड, बहुत ही लंबी है और बीच में एयर स्ट्रिप है राइट इन द मिडल। हवाई जहाज को तो सीधा टेक ऑफ ऊंचा ही करना पड़ता होगा, ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ और गया। ये तो बीचों बीच है, एकदम ना सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया। वो नीचे हमारी बाइक्स खड़ी है वो, और ज़बरदस्त व्यू। वो ईगल यहाँ से उड़ रहे हैं, पैराग्लाइडिंग चल रही है। अरे कहाँ कहाँ से, वहाँ बीच से भी उड़ रहे हैं, ऊपर से भी उड़ रहे हैं, वहाँ बीच से में भी उड़ रहे हैं, कई जगह से उड़ रहे हैं पैराग्लाइडर्स, और सारे के सारे लेक पे घूम के वहाँ कहीं नीचे उतर रहे हैं। ऊपर पूरा ग्लाइडर उड़ रहा है, वो देखो हैंग ग्लाइडर, वो देखो भाई ऊपर। हाँ वो वाला है, नहीं मोटर वाला ग्लाइडर है, लेकिन हैंग ग्लाइडर टाइप ही है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, एक अच्छा व्यू, मज़ा ही आ गया। इट्स टाइम नाउ वी टेक टू आवर डेस्टिनेशन। अच्छा व्यू इसका, लेक का, पोखरा की और पोखरा का। ये पूरा जो दिख रहा है वो पोखरा सिटी है, और जो बीच में है वो है एयरपोर्ट। ये जो दिख रहा है ये एयरपोर्ट है, दिस इज़ द एयरपोर्ट, और ये बाकी पोखरा सिटी है। काफ़ी फैली हुई है दूर तक, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। और इसके लेफ्ट में जैसे आएंगे, राइट में आए तो हम इधर, ये है लेक, और लेक के ये बोटिंग होती है इधर सब, ये बोटिंग की जगह है यहाँ पर। ये बोट बीच वाले उस टापू पे भी लेके जाते हैं जहाँ के एक मंदिर है, और सुंदर है बहुत, देख सकते हैं जो व्यू है वो ज़बरदस्त है। और ये ऊपर जो है एक पोगाड़ा है, पोगाड़ा से भी अच्छे व्यू मिलते हैं, शांति पोगाड़ा, इससे भी लोग जाते हैं यहाँ पर भी घूमने। और यहाँ से हम फोटो बना रहे हैं, ये एक बेनी के पास एक जगह है, वहाँ से ये व्यू आ रहा है। अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही बेहतर, ज़बरदस्त। किया था, और वैसे तो यहाँ फीस लगती है सरंगकोट घूमने की 60 रुपये, बट चूँकि हमको मुक्तिनाथ जाना है तो वो कोई फीस नहीं लग रही। अगर सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने या फिर ये देखने आते सनराइज सनसेट तो फीस लगती है यहाँ पे 60 रुपये। कितने सारे पैराग्लाइडर्स है। क्या बात है, क्या बात है, क्या व्यू है, पैराग्लाइडर्स सारे। क्या मस्त है, ज़बरदस्त।
क्या बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, पूरा पोखरा और ये सारे पैराग्लाइडिंग करते हुए। ओ भाई वो तो बहुत ऊपर उड़ रहा है और बहुत सारे बहुत नीचे है। कुछ तो यहाँ बीच से भी उड़ रहे हैं, आई थिंक यहाँ से भी उड़ रहे हैं, कुछ ऊपर से उड़ रहे हैं। बहुत सही सीन है। अरे ये तो यहीं से उड़ा, नीचे यहीं से भी उड़ रहे हैं। वो वहाँ से गया। ओके यही जगह दिख रही थी वहां से उड़ते हुए, गजब है। क्या देखो अभी भाई साहब ये उड़ेंगे ये नीचे से उड़ रहे हैं अभी। ओ उड़ गया ओ पूरी स्काई लाइन एक पैराग्लाइडर से भर गई है। ए जायद भाई बनाते हुए सबका वीडियो पूरी स्काई लाइन इज फिल्ड अप विद पैराग्लाइडर्स, फुल ऊपर तक दूर तक पैराग्लाइडर्स ही पैराग्लाइडर्स है। अच्छा व्यू है, मज़ा आया। यहाँ से पैराग्लाइडिंग हो रही है और क्या एक्सपीरियंस है यार, ज़्यादा पैराग्लाइडर्स एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत सुंदर है, ऊपर देखो कैसे उड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। जबरदस्त है भाई, क्या व्यू है।